ये क्या पहन रखा है? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? नो डिवोर्स तो मैं तुमसे ले रही हूँ, मुझे खुद ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, तो मुझे बंदिशों में बांध के रखे ठीक है? इन कपड़ों में हम बाहर जाएंगे? हाँ, इनमें क्या प्रॉब्लम है? जय। हाँ जी। यार ये देखो, ये अच्छी लग रही है। हाँ ठीक है यार, मैं भी ऐसे कपड़े पहनना चाहती हूँ। क्यों? मॉडर्न थोड़े से स्टाइलिश। आप ऑलरेडी इतने मॉडर्न कपड़े पहनते हो, अभी भी आपने इतना अच्छा ड्रेस पहन रखा है। ये नहीं ना, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, मतलब उस तरीके के कपड़े, वन पीस टाइप के, ये तो मतलब सूट हो गया ना, ऐसी ड्रेसेस नहीं पहननी। और आपने ही कहा था कि शादी के बाद हम कुछ भी पहन सकते हैं, और यहाँ पे तो आपके मम्मी पापा भी नहीं रहते ना। देखो मम्मी पापा नहीं रहते, बट यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, ये हमारा खुद का घर है, आसपास के लोग जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लोगों से क्या रहना था ना, हम हमारे घर कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, हम कुछ भी पहने किसी से क्या मतलब हमें? लोग तो क्या पता ऐसे भी जज करते होंगे, वो तो सूट सलवार में भी जज करते होंगे ना। अब शादी से पहले भी तो ऐसे ही कपड़े पहनते थे ना, तो उससे कुछ नहीं होता ना शादी से पहले। अब देखो शौक होता है वो इंसान तो कभी भी कर सकता है ना, मेरा दिल कर रहा अभी कुछ पहनने का, कुछ करने का, तो फिर आप ऐसे कैसे मना कर सकते? आपने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ, मैं शादी के बाद कुछ भी पहन सकती हूँ। देखो शादी से पहले की बात चीज़ें अलग थी, अब बहुत अलग है। यहाँ लोगों को पता है कि हम शादीशुदा हैं, हमारे खुद के मम्मी पापा क्या सोचेंगे ये भी सोचो। अब आप बच्चों जैसी बात कर रहे हो, अब मैं आपको कितना समझदार समझता था, अब हम खुद का बेबी प्लान कर रहे हैं और आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मम्मी पापा के पास हम जब भी जाएंगे तो मैं ऐसे ही कपड़े पहन के जाऊंगी, और क्या कहते हैं, और बच्चे का क्या है ना, वो जब आएगा जबकि जब पता की जाएगी, और पहले से समझदार इसमें और नालायक बोले क्या बातें हैं यार, खुद के शौक नहीं होते क्या? तुमने तो कहा था तुम कुछ भी पहन सकते हो, तो क्या मैं क्रॉप टॉप या वन पीस पहनने से उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी तो इसका मतलब आप बिकनी पहन लो ना फिर। आप पास हो कहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैंने एक छोटी सी परमिशन मांगी और अब मुझे ये लोग और समाज की पढ़ी, मेरी तो कुछ पढ़ी नहीं है। अब इसे कैसे समझाऊं ये दुनिया छोटे कपड़ों में लग गई किस नजर से देखती है? ये क्या पहन रखा है? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? इन कपड़ों में मैंने मना करा था ना ऐसे कपड़े पहनने से। आज तो मेरे पता दोस्त ने भी मेरी इतनी तारीफ करी, कितनी अच्छी लग रही हो, और पता है मैं आज मार्केट गई थी, वहां भी लोग मुझे देख रहे थे। देखो बीवी तुम मेरी हो ठीक है, ना लोगों की ना तुम अपने दोस्त की, प्रॉब्लम मुझे है। और अगर तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहने ऐसे ही जाना है ना बात, मुझे हाथ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे आप डिवोर्स दे दो, मैं चला, राम राम। डिवोर्स तो सुनो, डिवोर्स तो मैं तुमसे ले रही हूँ, मुझे खुद ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, तो मुझे बंदिशों में बांध के रखे ठीक है? मैं तुम्हें नहीं बांध रहा। तुम बांध रहे हो, तुम शादी के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। हाँ तो मुझे भी नहीं रहना की ऐसे जो मेरे को कपड़े पर टोक लगाए, चीजों पर टोक लगाए, मैं भी नहीं रह सकती ऐसे रिलेशन में, मुझे खुद तुमसे डिवोर्स चाहिए। जैसा देश वैसा भेस, सुना है ना? मुझे लोगों से नहीं, लोग कुछ नहीं करते मुझे, तुम्हें मतलब जो तुम मेरी बात को तुम नहीं समझ सकते, तो लोगों से मैं क्या ही उम्मीद रखूंगी ना? तुम्हें तो समझना नहीं है, तुम्हें तो रोक टोक लगानी, छोटे कपड़े है, ये है वो है। मुझे माफ करो, अब अपने दोस्त के साथ ही रह लो ठीक है। रूबी I'm sorry, मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वही तो। आपका जो दिल में आए करो, बस इस रिश्ते का ख्याल रखना। आगे से गुस्सा नहीं करोगे ना? नहीं। रेडी हो गए आप? हाँ। इन कपड़ों में हम बाहर जाएंगे? हाँ, इनमें क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, अच्छे हैं। अच्छा क्या कर रहे हो? रील्स बना रही हूँ। ये वही फोन है ना जो मैंने आपको गिफ्ट दिया था? हाँ। इसमें कवर क्यों लगा रखा है? क्या बात कर रहे हो जय, महंगी चीजों पे तो कवर लगाते हो। देखो ये आपने गिफ्ट करा, ऊपर से ये आईफोन है कितना महंगा, तो कवर लगाने से मेरा फोन सेफ रहता है और सुंदर भी दिखता है। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा ये आईफोन है? लोगों को क्या मतलब, लोगों को पता है मेरी वीडियो का क्लियरिटी देख के लोगों को पता चल जाता है, और मुझे लोगों से क्या लेना, लोगों को पता लगे ना लगे आईफोन है मेरा सेफ रहेगा तो सुंदर है जितना अच्छा लग रहा है ना। आप मेरे दिए हुए गिफ्ट को इतना संभाल के रखे हो, ये महंगा है। आप ये सोचो मैंने ये गिफ्ट आपको दिया है तो सोचो आप मेरे लिए कितने महंगे गिफ्ट, आप ये सोचो आप तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा हो ना, आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट और कितने कीमती हो। आपसे कीमती तो ये फोन नहीं है मेरे लिए, अगर मैं आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे गलत हूँ? कोई बात नहीं, आप रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारी बहन बेटियों को छोटे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।